हाँ तो भाई, वो आज का दिन जो है ना वो हो गया है। इस्लामाबाद से हम निकल रहे हैं मानसेरा के लिए। यहाँ पे खानपुर डैम जाएंगे, सामान ये सारा है। अब बाइक्स के ऊपर ये हमारे पास दो, हमने इसके अंदर टेंट इसी में डाल लिए, फिक्स कर लिए हैं। स्लीपिंग बैग हैं दोनों, और एक ये वाला भी मैट्रेस है हमारे पास। इसके अंदर लैपटॉप वगैरह अपनी सारी चीज़ें रखनी है जो जो हमें डेटा के लिए काम आएंगी, और कुछ कपड़े वगैरह। और साथ में हमने ये सैडल बैग लिया है जो हम बाइक पर डालेंगे, और बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं। आज निकल रहे हैं, दो दिन बाद तो चलते हैं, सामान पैक करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद। फाइनली वी हैव डन, ऑल द स्टफ हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन माई बाइक। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें बांध ली हैं बाइक पर, और बस निकलने का टाइम है। फ्रेश हो गए हैं हम, और यहाँ से निकलेंगे खानपुर डैम। खानपुर डैम के बाद जो भी डेस्टिनेशन हमें मिलती हैं उस हिसाब से हम बैक टू बैक खुंजराब तक और आज़ाद कश्मीर तक जाने का प्लान है। और देखें अभी रास्ते में क्या होता है। सुना बाबू सर टॉप भी बंद है, तो अगर रास्ते में कुछ कहीं ऐसा लगा कि डेस्टिनेशन कहीं ऑफ हुई तो फिर हम वहाँ से स्किप करेंगे और कहीं और जाएंगे। तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ बाइक में सामान क्या क्या बांधा है। अच्छा, जो है वो सामान देखने से पहले ये नहीं सोचेगा कि जो है वो इतना ज़्यादा सामान एक बाइक पर। बेसिकली तीन बंदों का सामान है, जैसे मैंने बताया। इन मैट्रेस के अंदर हमने टेंट फिक्स कर लिए, इन कर लिए, इसके अंदर भी टेंट फिक्स कर लिए। दो टेंट हो गए, दो मैट्रेस हो गए, एक स्लीपिंग बैग ये है, और सेकेंड स्लीपिंग बैग मैंने अपना ऐसे टेक लगाने के लिए रख लिया, इसको कि इस तरीके से टेक लग जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा इसीलिए। उसके बाद जो है आते हैं फ्रेम बैग के ऊपर। तो ये मैंने अपनी बाइक के ऊपर फ्रंट पे, ये देखें नज़र आ रहा है, हाँ नज़र आ रहा है। तो ये टैंक बैग मैंने बाइक पे बांध लिया अपने, ये बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ सकता है। और उसके बाद जो है ये मोबाइल लगाने का कर लिया है, मिरर तो ऑलरेडी फिक्स है। और दूसरी बाइक पर हम ज़्यादा सामान नहीं रख रहे हैं, दूसरी बाइक के ऊपर हमने बस एक टैंक बैग रखा है और एक जो है लगेज बैग रखा है जिसके अंदर लैपटॉप वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है हमारे पास वो चीज़ें रखी हैं हमने। तो बस यही सीन है थोड़ा सा। फाइनली जो है हमारा ट्रिप, आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। कीप इन टच। हाँ सो गाइस, जैसे आप लोग देख रहे हो हमने टैक्सिला मतलब इस्लामाबाद से स्टार्ट किया। टैक्सिला में ये धर्मारा जी का एक स्टूपा है। ये 3rd सेंचुरी टू 15th सेंचुरी मतलब बहुत ही पुराना एक वेबसाइट है इनकी। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि बेसिकली इसमें है क्या। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं अभी क्या है। ये इनकी बाइक्स ऐसे खड़ी हुई हैं अभी हमारी। ये गेट है और अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है ये तो हम अभी बाद में देखते हैं, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा, लेकिन बहुत ही पुराना है ये। हाँ आवाज़ आ रही है, देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। भाई जैसा कि मैंने बताया, एक नई जगह हम जो है ना देखने आए हैं, मेरे लिए तो नई है, पहली दफ़ा आया हूँ, धर्मारा जी का स्टूपा। तो धर्मारा जी का स्टूपा ये बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है। इसका सिलसिला कुछ ऐसा है कि तारीखी आसार जो है वो धर्मारा जी का स्टूपा आलमी सकावती विरसे में एंटी एक्ट के तहत मुजरम तकरीबन 1975 के तहत महफूज किया गया। ये आसार कदीमा करार दिया गया था इस जगह को, और साथ साथ इसको कानून के तहत जो इस आसार के हदूद जो है इसके अतराफ़ में कम से कम 200 फीट तक हर किस्म की नई इजाफी तामीरात जो है ना वो ममनू की गई हैं। और यहाँ पे ये पता नहीं कितने मतलब साल पुराना जो है ना वो है, ये 3rd सेंचुरी टू 5th सेंचुरी में जो आपको बोर्ड दिखाया था। तो मैं भी आप सबको आगे भी दिखाता हूँ कि खूबसूरत जगह है बहुत। ये देखें आप, अब आगे चलते हैं। और ये जो आसार-ए-क़दीमा है
यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये अहमद भाई ने हमें यहाँ लाइक ये चीज़ विज़िट कराई है, हमें इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो अहमद भाई जो हमें बहुत अच्छी अच्छी जगहें विज़िट कराने के प्रॉमिस से यहाँ लाए थे, और वाकई बहुत ज़बरदस्त जगह है। बाकी जो है वो अहमद भाई का शुक्रिया बाद में वीडियो में अदा करते रहेंगे, अभी फ़िलहाल हम स्टूपा घूमते हैं और उनसे मालूम करते हैं और इस जगह की क्या क्या चीज़ें हैं। और इस वाला ये जो बुडापेस्ट था ये उसके सिलसिले में कुछ है, बाकी मुझे ना इतनी डिटेल इसके बारे में भी पता नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर इसके बारे में डिटेल इकट्ठी करूँगा। अभी ऊपर जाके पूछते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। ये ना भाई, अच्छा भाई इन्होंने लिखा हुआ है कमर्शियल शूट एंड फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन, तो पहले परमिशन लेते हैं उसके बाद शूट करेंगे। भाई धर्मराज के स्तूपा के बारे में मुझे वर्बली तो इतना कोई याद नहीं है, ना मैं कोई होमवर्क कराया ना ऐसी कोई स्क्रिप्ट लिखी, फिलहाल ये जो है ना उर्दू, आप उर्दू पढ़ लें, ये इसमें लिख के बता रहे हैं कि धर्मराज जी का स्तूपा जो 1980 से आलमी वर्षा के फहरिस्त में शामिल है, जिसको यूनेस्को के तहत आलमी सकाफत और कुदरती वर्षा के तहफ़ को मुतालका कन्वेंशन तैयार किया है। धर्मराज जी का टैक्सिला में बुद्ध मत की सबसे पुरानी और बड़ी खानकाह है, जो दरियाए धर्मा के किनारे वाक़ है। ये खानकाह महात्मा बुद्ध के मुतबर्रिक राग पर ख़ानदान के महाराजा अशोक ने तामीर करवाया है। महाराजा अशोक बुद्ध मत के बेबहा खिदमत की वजह से धर्मराज जी कहलाता है, कहलाते थे, इस वजह के की बिना पर इसका नाम धर्मराज जी का पड़ा। और यहाँ पर जनाब गुलाम कादिर ने 1912 से 1940 तक सरजान मार्शल के तहत खुदाई की, और नेस खान साहब अहमद दीन सिद्दीकी 1934 से 1936 तक काम जारी रखा। और बाकी जो है ना वो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा हो रहा है, दिल नहीं चाह रहा। तो फिलहाल ऐसा ही है, इसको स्टॉप करके जूम करके आप खुद पढ़ लीजिएगा उर्दू में। हम चलते हैं आगे ज़रा और चीज़ें देखने, और अब देखते हैं इसके प्लान ऑफ धर्मराज का स्टूपा जो है वो ये रहा। ये प्लान देख लें आप, फिर हम आगे चलते हैं कब्रिस्तान। और वो रहा इसका स्टूपा बुद्ध मत का जो सिलसिला था जो भी, वो हम देखते हैं आगे जाके। ठीक है, सुबह के पास चलते हैं, कब्रिस्तान देखते हैं इनका और चीज़ें देखते हैं। अभी आंटी ने रोका है कि क्या कह रही हैं अभी ये तो नहीं पता, करीब जाके देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। है तो असली ये पाकिस्तानियों हैं जी। अच्छा अच्छा ऊपर, अच्छा भाई ये आ गए हैं स्टूपा के ये मेन अंदर वाले हिस्से पे। सर्कुलर है तो हर जगह पे ऐसे ही होता है, सर्कुलर बनाया हुआ है, और ये करीबी जो स्टूपा की चीज़ें हैं ना वो ये बनाया हुआ है। आई थिंक ये वही चीज़ें हैं जो खोद के निकाली है इन्होंने, क्योंकि जो इसकी इमारत नज़र आ रही है इस तरह से। हो भाई है तो जगह बड़ी मजे की, चलो आगे चलें। आगे असल में कहा जाता है जगह होती ना, उससे यार अब क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी ऑडियंस के लिए घूम रहे हैं, बस ऑडियंस को दिखाएंगे। आप घूम रहे हैं, आप जो है ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह 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 भाई, मौलाना सवाले खान साहब कह रहे हैं कि यानी आप सोचे मैं देखें उस ज़माने में उन्होंने इतना इस्टेब्लिश वो बना दिया, पैसेजेस बना दिए हैं, बिल्डिंग्स बना दी हैं, तो इसका मतलब है दे वर वेरी सिविलाइज्ड। बट एट द एंड दे डाइड कुल्लुन नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, जमीन हिला मारी गई ना इनके बाद। बस अब निकले यार दूसरी तरफ चलें, चलें आगे सुबह की। और ये जगह देखते ना क्या, अच्छा ये तो बंद है, इबादत खाने छोटे छोटे इनके। चलो ऊपर तो जाना अलाउ नहीं है ना वैसे भी, चलते हैं हम कहीं और। उधर जाना था जहाँ से अंदर निकले थे, खाली ये दरवाज़ा लग रहा है मुझे, दरवाजे से चल रहे हो भाई। ये स्टूपा की जो वीडियो है ना बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो है ना सब जगह कैप्चर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये यहाँ से चलते हैं इनकी भाई, वाटर पॉइंट भी है वो देखें वो नज़र आ रहा है, हम चलते हैं इनके वाटर पॉइंट की तरफ और वाटर पॉइंट दिखाते हैं कि वाटर पॉइंट में क्या सिलसिला था। बेसिकली पाँव नहीं है, पूरा मुजस्मा था। तो बेसिकली अब आप जहाँ जा रहे हैं वो गौतम बुद्ध के पाँव हैं, और
बेसिकली ये थर्ड बीसी के अंदर से यहाँ मौजूद हैं, और ये बाद में डिस्कवर किए गए खोदने के बाद। आप देखेंगे तो यहाँ मेंशन भी है कि गौतम बुद्ध के पांव चूने से बने हुए, और बेसिकली दो इसके यहाँ पांव हैं जिनमें से एक बहुत सही हालत में है, ये आप देख रहे हैं, जबकि दूसरा जो पांव है वो थोड़ा सा झड़ गया है। ये दो मुजस्मे थे, और ये दो मुजस्मे थे जो कि अपनी पूरी हालत में इस वक्त मौजूद नहीं है। देखें, ये दूसरा पांव है जो थोड़ा सा झड़ गया था, और इसको बाद में शायद थोड़ा सा इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। एक मुजस्मा ये है, एक मुजस्मा बेसिकली वो है। अच्छा, हाफ इस साइड है, हाफ इस साइड है अमर भाई, ऐसे है? नहीं, फिर वो पूरा नहीं। अच्छा, वो बैठे हुए हैं, वो खड़े हैं भाई। यहाँ पे ना हर चीज़ ही कदीम है, सारे कदीम है, क्योंकि ये जो दरख्त देख रहे हैं ना आप, कम से कम ये तो 150 साल पुराना ये दरख्त है। इसी कंडीशन देख रहे हैं, इसकी जड़ें देख रहे हैं, यार वाकई बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। और दरख्त की सिचुएशन देखें बस, और ये इसका साइज़ देखें, इसकी जड़ें देखें, ये देखें इसकी जड़ें, और वो देखें, वो रहा इनका खानका एरिया। तो यार बुद्धिस्ट जो भी थे, खैर हमें इतना वो तो नहीं है, लेकिन घूमने आए हैं तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस को जितना डिटेल दे सकता हूँ दूँ। तो ये धर्माना जी के स्तूप का जो है ना कंप्लीट व्यू, ये देखें, ये उनकी इबादतगाहें हैं, ये उनका जो भी इबादत करें जगह हैं, और बहुत सारे पॉन्ड्स बने हुए हैं या कुएँ हैं जो फ़िलहाल खुश्क हुए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसकून जगह है, और फ़िलहाल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में भाई। दरख्त मैंने दिखा दिया आपको ये वाला, और खानका भी दिखा दी, इबादत गाहें भी दिखा दी। दरख्त बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही कोई क्लास का इसका जो है ना व्यू है, और इसकी जड़ें आप देख रहे हो ये। तो मेरा तो बस यही इरादा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको इसके बारे में बता सकूं। बहुत से लोग इस बारे में, तो जैसे मुझे नहीं पता था, हम निकले थे खानपुर जाने के लिए, और अमर भाई जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम अभी आगे भी जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि एक जगह यहाँ पर ऐसी भी है, इसमें ये धर्मारा जी का स्टूपा, उसके बारे में जितनी भी डिटेल बताई वो भी उन्होंने बताई है। मुझे इतना नॉलेज नहीं थी इस बारे में, यहाँ आके पढ़ा जो भी पढ़ा, लेकिन कोशिश ये की कि जितना ज़्यादा डिटेल कर सकूँ आपको मैंने डिटेल किया है। और स्टूपा मैंने आपको दिखा दिया, वो रहा मेरे पीछे वो स्टूपा, और वो हमारे दोनों दोस्त, और ये स्टूपा आपको नज़र आ रहा है वो वाला, ये स्टूपा है, ग्रीनरी आप देख सकते हैं, वाटर पॉन्ड वहाँ था, और ये सारे जंगलात ही जंगलात बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसी गेट की तरफ, जितना हमने घूमना था घूम लिया, हमने पांव दिखा दिए उनके जो बने हुए थे, स्टूपा दिखा दिया, वाटर पॉन्ड दिखा दिया, और जो उनकी बात गाएँ थी वो दिखा दी, और एक दो जगह और देखते हैं अभी, उस तरफ कोने पर जाते हैं, उसके बाद फिर हम निकलते हैं, क्योंकि फिर हमें अपने नेक्स्ट ट्रिप की तरफ जाना है। तो फिर हम अपने नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ जाके फिर वहाँ का ब्लॉग बनाते हैं। फिलहाल धर्माना जी का स्टूपा का जो भी नॉलेज थी वो मैंने बता दी। एक और शॉट दिखाता हूँ बैक से आपको पूरा, और उसके बाद फिर हम चलते हैं। मगर भाई हम भाई